और यहाँ पे सारा सब्जी कट कर चुके हैं। और बहुत लोग नए जुड़ते हैं ना, तो वो देखते हैं तो हमेशा पूछते हैं, दीदी आप कैसे रखते हैं स्टोर करके, हम लोग का ख़राब हो जाता है सब्जी। तो यहाँ पे ना नॉर्मल आपको कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है शॉपिंग करके लाना है, उसको वॉश करना है, उसके पानी को पूरा रिमूव कर दीजिए, जितना हो सके उतना टिश्यू से या कोई कपड़े से उसको अच्छे तरीके से पोंछ लीजिए। स्पेशली भिंडी को तो और अच्छे से पोंछ लीजिए, क्योंकि वो क्या होता है ना कभी कभी चिपचिपा, तो पानी अच्छे से पोंछ लिए ड्राई करके, उसके बाद बस आपको कट लगाना है। कट लगा के आपको जिप वाला लॉक वाला प्लास्टिक बैग आता है जो फ्रीजर में रखने के लिए आता है, तो वो आप लेके सारा वेजिटेबल को स्टोर करके आप रख सकते हो आराम से। सारे वेजिटेबल जितना है ना, ये आराम से 1 महीने 2 महीने रह सकता है, डिपेंड करता है कि आप कितना यूज करते हो। अगर हम इसको 2-3 महीने भी खा सकते हैं आराम से, ये चलेगा। और ये, और बहुत लोग बोलते हैं दीदी कौन कौन सा सब्जी करते हो, तो सबसे पहले धनिया पत्ता करते हैं, भिंडी करते हैं, भिंडी 2 तरह से करते हैं, एक लंबे वाले एक भुंजिया टाइप से कट के करते हैं, उसके करेला करते हैं, परवल करते हैं, परवल भी 2 तरह से करते हैं, लंबा कटा हुआ और सब्जी वाला, और उसके बाद कद्दू करते हैं, उसके बाद आपको ये मैंगो, रॉ मैंगो जो आता है वो कट करके रखते हैं, क्योंकि हम दाल जो बनाते हैं ना वो मैंगो दाल ही बनता है। मेरे घर में सबको अच्छा लगता है मैंगो वाला दाल, तो डेली हमारे दाल में वो रॉ मैंगो जाता ही जाता है। और ये सारा चीज़ ना, और करेला वगैरह सब कट करके रखते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। और ये आराम से आपका ना 1-2 महीने लाने का झंझट। और आप बहुत लोग पूछते हैं कि बनाने के बाद क्या ये फ्रेश रहता है, सूखता नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं सूखता, एकदम फ्रेश रहता है, आप एक बार ट्राई करना। और उसके बाद ये ना आपको फ्रीजर नॉर्मल वाला में नहीं रखना है, डीप फ्रीजर में रखिएगा। तो चलिए, ये था छोटा सा इन्फॉर्मेशन।